आदि सोजा बेटा, गुड नाइट। जल्दी नीचे आ जाओ बेटा, नाश्ता रेडी है, मैं जूस लेके आ रही हूँ। बराबर। अरे आदित्य, ओए आदित्य, आदित्य, ओए आदित्य, आदित्य आजा? नहीं मैं ठीक हूँ। अरे कमना, वी आर प्लानिंग समथिंग। हमने कल शाम पार्टी रखी और तू आ रहा है। हाँ यार मजा आएगा ना। You know what guys, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। I don't feel like coming। क्यों पर चल ना। बाद में मजा आएगा। मजा आएगा। पर आपने वादा किया था कि अपनी फर्स्ट सैलरी में से आप मुझे कुछ लाके देंगे एंड आई वांटेड राइट नाउ। अच्छा ठीक है, तू इधर रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। रुको दी, मैं भी आता हूँ। काश मैं सही मान गया होता तो आप जिंदा होते। डैड, आई रियली लव यू, पर मेरी वजह से दी आज हमारे साथ नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
मैं हर रोज यही सोचता हूँ, काश मैंने उनको रोक लिया होता, काश मैंने जिद ना की होती, काश मैं मान गया होता तो आज दी हमारे साथ होती। आई एम रियली सॉरी मम डैड, पर मैं ये बोझ के साथ नहीं जी सकता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे ये तो आदित्य है। Have you lost it? तू ये क्या करने जा रहा था? बैठ इधर। देखो इनको, जानवी दी अब ऑलरेडी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? मैडम मैंने कल आपको फोन किया था, मेरा एक बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है और कई दिनों से पिछले एक डेढ़ महीने से पहले हमारे फैमिली में एक बुरा इंसिडेंस हो गया, इसकी वजह से वो उसने वो खाता पीता नहीं है, उसकी चॉइस की चीज़ें मैं बनाती हूँ वो देखता भी नहीं है, उसको अपने जीवन में कोई रस नहीं रहा, वो ना तो कॉलेज में किसी से बात करता है ना मेरे से बात करता है, वो मेरे से बहुत अटैच्ड है पर वो मेरे से बात भी नहीं करता है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो अकेला होता है तो मुझे इतना दर्द होता है कि वो अपने आप में विचारों में खोया रहता है, आप कुछ कीजिए इसमें। देखिए सबसे पहले तो मरीज़ को देखना ज़रूरी है ना, आपकी बातों से तो लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हें डिप्रेशन है, पर एक बार अगर आप उनको यहाँ लेकर आएंगे तो हम ठीक से जांच कर पाएंगे और फिर उसका जो भी निदान होगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे होगी, अगर डिप्रेशन भी है तो भी वो ट्रीटेबल है, डिप्रेशन का इलाज संभव है, उसकी थोड़ी दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ होती है बिल्कुल होती है, दवाइयों से भी संभव है और थेरेपी से भी, सर तो एक्सपर्ट है थेरेपी में, अगर आप लेकर आइए हमारे पास तो सर थेरेपी स्टार्ट कर पाएंगे उनकी, है ना, और दवाइयाँ भी हम लिखेंगे। ठीक है तो मैं उसको समझा के आपके पास एक बार लेके आइए, हो सकता है कि उसकी लाइफ इससे सुधर जाए और वो बच जाए। ठीक है, थैंक यू। किसी बात में मन न लगना, अपने आप को हानि पहुंचाने में विचार आना, ऐसा कुछ भी लगातार 15 दिन या उससे ज्यादा हो तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा तो कुछ आप आसान तरीके अपना के उससे बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आप अच्छा गाना सुन सकते हैं, खुली हवा में वॉक ले सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना नजर आए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर आपको दो तरीके से ट्रीट करेंगे, एक है काउंसलिंग और दूसरी है मेडिसिन। वीडियो में देखने के बाद आपको पता चला होगा कि डिप्रेशन कोई कारण की वजह से हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई कारण हो, सुसाइड करना किसी भी बात का हल नहीं है। अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास चले जाएं और संयम से काम लें तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। यू कैन सेव योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।